कलयुग की कड़वी सच्ची और अनमोल बातें। नंबर एक, बड़े ही अजीब आजकल दुनिया के झमेले हैं, दिखती तो भीड़ है पर चलते सब अकेले हैं। नंबर दो, नियत और सोच अच्छी होनी चाहिए, बातें तो हर कोई अच्छी अच्छी करता है। नंबर तीन, खुश रहना सीख लो, उदास तो लोग कर ही देते हैं। नंबर चार, जिंदगी में उन्हें कभी अकेला मत छोड़ना जिन्होंने आपको चलना सिखाया। नंबर पांच, जरूर से ज्यादा वक्त और इज्जत देने से लोग बदल ही जाते हैं। नंबर छह, अब लड़कियां शादी के नाम पर भी नहीं शर्माती, अब वह शादी का नाम सुनकर गुस्साती झल्लाती है, क्योंकि अब लड़कियां शादी से ज्यादा चाहती है अपने जीवन में आजादी। नंबर सात, शांत स्वभाव की पत्नी पाकर बेवजह खुश ना हो, उच्च क्वालिटी का रिवॉल्वर पर साइलेंसर लगा होता है। नंबर आठ, बुरा वक्त भले ही भुला दो, लेकिन बुरे वक्त में बुरा बर्ताव करने वालों को कभी मत भूलो। नंबर नौ, लापरवाही ही अच्छी है साहब, परवाह करो तो लोग सस्ता समझ लेते हैं। नंबर दस, अगर किसी के प्रेम की निष्ठा जानना चाहते हो तो उसके सामने दुनिया का सबसे हारा हुआ, ठगा गया, निर्धन बेजान बनकर जाओ, और अगर वह तब भी तुम्हारा साथ दे तो उसकी निष्ठा अटूट होगी, अन्यथा तो सब दिखावा मात्र है। नंबर ग्यारह, कड़वा सच, दादी कहती थी पति परमेश्वर है, यह नहीं बताया गुस्सा आने पर मारेगा चीजें फेंक कर, माँ कहती थी रख देगा कदमों में तेरे चांद और तारे लाकर, यह नहीं बताया खुश होगा पैरों में झुकाकर, पापा कहते थे घोड़े पर सवार होकर आएगा राजकुमार, यह नहीं बताया बात करेगा वह गाली देकर और हाथ उठाकर, यह लाइन सच्चे मर्दों के लिए नहीं है। नंबर बारह, दिल सब जानता है कहाँ रिश्ता दिल से निभाया जा रहा है और कहाँ महज दिखावा है, और लोग खामखा अपनी चालाकियां पर इतराते हैं। नंबर तेरह, आग लगने दो ऐसे लोगों को, काम को, परिस्थिति को, जो तुम्हारे दुख और डिप्रेशन का कारण बने हुए हैं। नंबर चौदह, किसी के स्वाभिमान को बार बार ठेस पहुंचाएंगे तो रिश्ता कितना भी मजबूत क्यों ना हो टूट ही जाता है। नंबर पंद्रह, भूख मौत से बड़ी होती है, सुबह मिटाओ शाम को फिर खड़ी होती है। नंबर सोलह, सोचना ही है तो कमाने की सोचो, जमाने की नहीं। नंबर सत्रह, औरत अतीत को भूलकर जीती है और एक मर्द अतीत को याद करके जीता है, इसलिए औरत किसी के भी प्रेम में पड़ जाती है, मर्द अपनी पसंदीदा औरत के लिए रोते रहता है। नंबर अठारह, एक लड़की शादी के बाद खुश रहेगी या नहीं, यह इस पर डिपेंड नहीं करता कि उसका हस्बैंड कितना अमीर है, बल्कि इस पर निर्भर करता है कि उसका पति कितना जिम्मेदार है, उसका नेचर, व्यवहार और अंडरस्टैंडिंग कैसा है। नंबर उन्नीस, बच्चों जैसी हरकत करने वाली लड़कियां किस्मत वालों को मिलती है। नंबर बीस, वैवाहिक संबंध मधुर होने पर आपको मोक्ष यही मिल जाएगा, और गलत संबंध पर आपका दैहिक, मानसिक और आत्मिक कितनी बार आपका मरण होगा आप गिन नहीं भी पाएंगे। नंबर इक्कीस, सत्य तो यह है कि इस कलयुग में सच्चा प्रेम संभव नहीं है, अगर आपको वह प्रेम मिला है तो उसे कभी हारने मत देना। नंबर बाईस, स्त्री एक से ज्यादा स्त्री दो हिट साबित हुई, इससे पता चलता है कि लोग दूसरी स्त्री को अधिक पसंद करते हैं। नंबर तेईस, प्रेम प्रेम में भी फर्क होता है जनाब, कोई शरीर से करता है तो कोई दिल से करता है, कोई रूप से करता है तो कोई पैसों से करता है, कोई हवस के लिए करता है तो कोई दूसरों की खुशी के लिए करता है, कोई खुद को लुटा देता है तो कोई लूट लेता है। क्या बात करूं दोस्त, यहाँ की जो सच्चा प्यार करता है वह रात रोकर गुजारता है, और जो प्यार का नाटक करता है वह रात को चैन से सोता है। नंबर 24, प्रेम में डूबी हुई स्त्री प्रत्येक रात्रि सुहागन होती है, प्रेमी के अदृश्य छुअन के महसूस करने से, और प्रेम में डूबी हुई स्त्री हर सुबह विधवा हो जाती है, रात्रि के स्पर्श को जब सुबह महसूस करती है, किसी स्वप्न की तरह, कौन कहता है प्रेमिका सुहागन या विधवा नहीं होती। नंबर 25, मर्द पसंद करके प्यार करता है और लड़की भरोसा करके प्यार करती है। नंबर 26, कभी कभी खुद को मना लेना ही बेहतर होता है, हर जीत हमें खुशी नहीं देती। नंबर 27, सच बोलोगे तो बुरा लगेगा,
झूठ बोलोगे तो सब खुश रहेंगे, बर्दाश्त करोगे तो रिश्ता लंबा चलेगा, जवाब दोगे तो बुरे बनोगे, चुप रहोगे तो सब खुश रहेंगे, ज्यादा बोलने लगोगे फिर सबको बुरे लगोगे, फिर जिंदगी में हकीकत और सच का क्या करें। नंबर 28, वही छीन लेते हैं मुस्कान चेहरे की जिन्हें बता दिया जाए कि तुम जरूरी हो। नंबर 29, एक पत्नी की सारी ख्वाहिश है तभी पूरी हो जाती है जब उसका पति उसे खुशी से कहता है मैं जो भी हूँ तुमसे हूँ और तुम्हारे लिए हूँ। पत्नी को अगर पति का प्यार और सम्मान मिल जाए तो उसे दुनिया की फिर कोई और चीज की चाह नहीं रहती। नंबर 30, ससुराल वालों का कहना है कि लड़की को उसके माता पिता सिखाते हैं तभी घर बर्बाद होता है और लड़की बेचारी अपना दुख अपने माता पिता से इसलिए नहीं बताती कि उसके माता पिता दुखी हो जाएंगे।